नमस्कार, आज हम देखने वाले हैं कि 200 ग्राम दही लेकर उसके लस्सी बनाने पर कितनी शुगर बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने ले लिया है ये दही, मटका दही है हमने लाया है। इसको आप देख सकते हैं 200 ग्राम इस पर लिखा हुआ है। तो हम इसका रिव्यू करते हैं दही से, और हम लस्सी अपने हाथ से ही बनाएंगे। इसको का निकाल लें, ये दही है। चलिए चेक करते हैं, वेट कर लेते हैं कि 200 ग्राम दही ले लेते हैं इसमें 200 ग्राम। तो इसको जीरो कर ले, 250 ग्राम इसका वेट बैठा है, इसको जीरो कर लेते हैं। अभी जीरो हो गया। दही लेके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसका कितना वेट होता है। अभी देखो 200 ग्राम तो इस पर लिखा हुआ है, अब कितना निकलता है मालूम नहीं, लगता तो नहीं भाई इसमें 200 ग्राम दही होगा। फिर भी देख लेता हूँ, थोड़ा कम पड़ गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसा निकालेंगे तो आपको 200 ग्राम मिल जाएगा। लगभग 94 आ गया, मतलब थोड़ा कम है। ठीक है, खाली हो गया भाई, छः थोड़ा सा कम पड़ गया। इसको अगर इसको ऐसा निकाल लेते हैं तो नहीं कुछ बढ़ रहा है, 98 हो गया। इसमें से निकाल के आपको 200 ग्राम पूरा दिखाता हूँ, ये रहा पूरा 200 ग्राम हो गया। ठीक है, खाली हो दिया, हमने 200 ग्राम दही ले लिया हमने। फिर इसमें शक्कर डालते हैं हम लोग, 5 ग्राम शक्कर ले लेते हैं। अब इसको क्या हो गया, एक कम क्यों दिखा रहा है, थोड़ा सा कांटे में भी आके पीछे दिखा देते हैं। काटा भी बता रहा है। ठीक है भाई, तो अब हम शक्कर ले लेंगे एक चम्मच। इसको भी साफ़ कर लेते हैं टिश्यू पेपर से। आप घर में एक चम्मच शक्कर लेते हैं, इस चम्मच के अंदर ज़्यादा ज़्यादा समझ लीजिए 6 ग्राम 8 ग्राम शक्कर आती है। तो मैं ये शक्कर ले रहा हूँ। हाँ, शक्कर वैसे डायबिटीज वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक रिव्यू के तौर पर दे रहा हूँ, आप देखेंगे इसका वेट बढ़ेगा। ठीक है, मैंने एक चम्मच शक्कर लिया है, वो 5 से 6 ग्राम आ रहा है इसका वेट। ठीक है, ज़्यादा मत खाइए, 5 ही ग्राम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दिखाने से मेरी शुगर बढ़ जाएगी, तो वही हिसाब से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, अब थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते, ये देखिए पानी डालने में कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 250 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, आप बना के और इसे पी सकते हैं, एक गिलास लस्सी बढ़िया बन गई अब। ठीक है सर, अभी पहले हम अपनी शुगर चेक कर लेते हैं कि कितनी शुगर है हमारी। उंगलियों को साफ कर लें थोड़ा सा। क्योंकि ब्लड का उस पर आता है, जो दही का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 100 ग्राम में 14, कहीं 14 भी आता है, कहीं 16, 14 से लेकर 16 तक आप इसको मान सकते हैं। मशीन स्टार्ट हो गई, 14 से 16 तक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है।
आ गया भाई। एक सौ तेरह अभी मेरी जो फास्टिंग शुगर है 113 है, 113 है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, जो शुगर होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है, यानी कि आप एक टेबल स्पून यदि आप शक्कर लेते हैं यानी कि 12 ग्राम, तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 68 होता है, उसका 68 से 70 तक होता है। तो उस पर नेट कार्ब होता है 12 और उसका ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो 8 होता है। तो सीधी बात, मैंने इसमें 6 ग्राम शक्कर लिया है, इसको पी के भी चेक कर लेता हूँ कितना इसका होता है। हाँ, बाकी दही जो लिया है, दही में जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है दही का, वो तो आपको बता चुका हूँ कि 30 से 32 तक होता है, यानी कि 200 ग्राम में, 100 ग्राम में 14 से 16 तक होता है। हाँ, और जो ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो नियर अबाउट 5-6 आप बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन 200 ग्राम का रिव्यू किया जाता है, क्योंकि आदमी दही लेता है तो 200 ग्राम लेता है, इसलिए उसका आप मानिए 200 ग्राम दही लेते हैं तो 33 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आएगा और ग्लाइसेमिक लोड जो होगा वो 11 आएगा, उस हिसाब से देखिएगा। बाकी इतनी मीठी हो जाती है भाई, दही पहले से मीठी है, बहुत अच्छी है, तो दही में ज़्यादा शक्कर मत डालिए, दही में ज़्यादा शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दही मीठा है तो नॉर्मल, आप, मैं भी शक्कर नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या है वीडियो बनाने के लिए बताने के लिए करना पड़ता है कि ठीक है आदमी बाहर जाता है शक्कर लस्सी पी लेगा, कभी दही खा लेगा, कभी कुछ आ जाएगा, तो इस हिसाब से है। भाई और यहाँ घर की थोड़ा आवाज़ें भी आती रहती हैं, बाहर है थोड़ा यहाँ की आवाज़ आते रहेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियो डेली बेस पे बनाते रहूँगा। मैं भी बताना चाहता हूँ कि ये सब खाने पीने के बाद बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, कितना ब्लड शुगर बढ़ता है, वो हिसाब से मैं भी जानता हूँ कि शुगर जो है डॉक्टर बोलता है 2 घंटे के बाद, लेकिन आप जानिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको 2 घंटे के बाद करना पड़ता है, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी शुगर बॉडी में तुरंत बढ़ जाती है खाने के बाद, क्योंकि वो तुरंत बॉडी में रिलीज कर देता है, इसमें फाइबर नहीं होता ज़्यादा, अगर होता है तो बहुत कम होता है। जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी वह शुगर धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होगी, सीधी सी बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का प्रोडक्ट खाइए, ज़्यादा प्रोडक्ट खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी धीरे धीरे तो आपके यूज में आ जाएगी, वो बॉडी में ज़्यादा फैले दिखाएगी नहीं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर आधे घंटे के बाद हम रिव्यू करते हैं। 7:30 हो गया है, 7:30 हो गया, हम 8 बजे इसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। आधे घंटे के बाद इसका देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है, उसको हम दिखाते हैं। तो भाई आधा घंटा हो गया है हमको खा के, 8 बज चुका है, हमने कहा था आधे घंटे के बाद इसका रिव्यू करेंगे, तो आधे घंटे बाद देखते हैं कि हमारी शुगर कितनी बढ़ी है। ये स्ट्रिप निकाल देते हैं, यहाँ पे दूसरी लगा लेते हैं। भाई बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप मशीन चेंज कीजिए, अब हमने भी नई मशीन मंगाई है, हाँ इसके पहले दूसरी मशीन थी। तो मशीन क्या है, हर आदमी का हर मशीन का अलग अलग रिपोर्ट आता है, चेक करते हैं आधे घंटे के बाद कितनी आ रही शुगर। अभी उंगलियों को साफ कर लें पहले, आ गया आप देख सकते हैं, आधे घंटे के बाद हम रिव्यू कर रहे हैं ये कि कितनी शुगर आती है, 128, आपने देखा 128, ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ा, यानी कि क्योंकि हमने इसको जो शक्कर थी शक्कर को दही के साथ में लिया, तो दही में क्या होता है कितना आया 128 देख सकते हैं, 128 यानी कितना आया 113 थी, यानी कि 15, यानी कि 15 शुगर हमारी बढ़ी है आधे घंटे में। तो जो दही का, दही में क्या है कि हमने कहा था ना कि जिस चीज़ में ऑयल मिक्स हो जाएगा वो शुगर धीरे 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 रिलीज करेगा, इसलिए कोई भी चीज़ आप लीजिए या शक्कर या कोई भी चीज़ खाइए, जैसे आप चाय पीते ना तो चाय को अगर
किसी चीज़ के साथ में खाएंगे तो धीरे धीरे शुगर आपकी बढ़ेगी। डाइट ले लेंगे, कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगी। तो उसी साथ में देख लीजिए, ज़्यादा नहीं बढ़ी शुगर हमने 6 ग्राम, मैंने कि ज़्यादा हमने 6 ग्राम शक्कर लिया था, बाकी दही का है। तो ये शुगर अब जो हमने खाया है तो दही का जो इंडेक्स है थोड़ा सा दिखाएगा, क्योंकि उसमें दूध है। ये जो 128 138 भी जा सकता है, 10% का वेरिएशन भी आता है इसमें। तो हमने कहा ना कि आप किसी चीज़ को अगर शुगर को या किसी चीज़ को मिला के लेंगे तो शुगर कम बढ़ेगी। बाकी आपकी ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपका रिपोर्ट थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि एज का भी इसमें फ़र्क होता है कि आपकी शुगर लेवल कितना है, वो इस पर भी डिपेंड करता है। तो लस्सी आप पीजिए, ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा, 20-30 पॉइंट तो बढ़ना है, बढ़ता ही है, सीधी सी बात है। कम से कम आप लस्सी पियेंगे तो 15 से 20 तक मान के चलिए, 30 तक भी जा सकता है, कि वो लस्सी में उसे शक्कर कितनी आ रहा, मालूम पड़ा ताज़ी दही है तो उसमें शक्कर कम पड़ेगी तो आपका शुगर कम ही बढ़ेगा। अगर मालूम पड़ा कि उसने ज़्यादा ही उसमें डाल दिया है शक्कर, हाँ, क्योंकि खट्टी दही में खट्टी अगर लस्सी रहेगी, ज़्यादा शक्कर डाल देगा मीठा के चक्कर में, तो आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देखिएगा किस तरह से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।